So today we are going to have a class on metal coating. We will learn how metal coating is being done, how it is possible, and so I am sharing my screen of metal coating processes. Okay, am I visible? And I think when my screen will be visible, please carry on. This is. Is the screen visible to you all? Yes, sir. Okay. So we are going to have this on surface treatment. Okay. So what is the surface treatment? Okay, so definition and application of surface treatment processes. These processes are sometimes referred to as post-processing. They play a very important role in the appearance, function on the life of the product. Broadly, these are processes that affect either a thin layer on the surface of the part itself or add a thin layer on the top of the surface. There are different coating and surface treatment processes with different applications, uses, etc. The important uses include improving hardness, improving wear resistance, controlling friction, reduction of adhesion, improving the lubrication, improving corrosion resistance, and aesthetics. Shall I go in Hindi? English mein theek hai, samajh mein aa raha hai? Hindi mein aao. Sir, Hindi mein explain kar dijiye bas, thoda thoda. ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं के सरफेस कोटिंग क्यों करते हैं अपन लोग, जैसे मेटल के अंदर स्पेशली आप आपके खिड़की दरवाजे आप लोग देख रहे होंगे, खिड़की दरवाजों पे मेटल स्प्रेइंग कर देते हैं अपन या उनकी कोटिंग करते हैं। एक तो उससे क्या होता है, उससे फायदा ये होते हैं आपको, एक तो लुक्स अच्छा हो जाता है, दिखने में अच्छा लगने लगता है, दूसरा हार्डनेस इंप्रूव हो जाती है, वेयर रेजिस्टेंस हो जाता है, कंट्रोल फ्रिक्शन, रिडक्शन ऑफ एडिशन, इम्प्रूविंग ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन इम्प्रूव हो जाता है, इम्प्रूविंग करोजन रेजिस्टेंस एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, एस्थेटिक्स मतलब भी अगर कोई चीज दिखने में अच्छी लगती है तो ज्यादा सेल होती है। ओके, ये सब सबको पता है। नाउ वी विल गो ऑन टू अदर स्लाइड। दिस मैकेनिकल हार्डनिंग ऑफ द सरफेस, हाउ वी गो ऑन वी डू दिस मैकेनिकल हार्डनिंग ऑफ दीज सरफेसेस ऑन स्पेशली ऑन जो हार्डनिंग अपन करते हैं वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के सरफेसेस की हार्डनिंग करते हैं, है ना। अब इसमें मेथड्स अप्लाई मैकेनिकल इम्पल्सेस लाइक इम्पल्स क्रिएट करके अपन हार्डनिंग कर देते हैं, जैसे लाइट हैमरिंग। आपने देखा होगा लोहार जो होता है हथौड़ा मारता है, उस पर जोर जोर से मारता है हथौड़ा लोहे के ऊपर, थोड़ा सा गर्म होता है तो उससे क्या होता है उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। दिस हैमरिंग एक्शन कॉजेस टाइनी अमाउंट ऑफ प्लास्टिक फ्लो ऑन द सरफेस रिजल्टिंग इन द वर्क हार्डनिंग ऑफ द सरफेस लेयर ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेसेस। क्या होता है कि अपन जैसे ही उस पर हथौड़ा मारते हैं, लोहे के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो उसके अंदर एक प्लास्टिक फ्लो होता है ऊपर, उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर प्लास्टिक फ्लो के उधर जम जाता है और उससे वो मटेरियल हार्ड हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोज आ जाते हैं और कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। और ये रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप करने के जो तरीके हैं वो ये है। नंबर वन इज शॉर्ट पिनिंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नंबर टू इज वाटर जेट पिनिंग एंड नंबर थ्री लेजर पिनिंग। राइट, तो अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये हो गया आपका। ओके, दिस इज इस तरीके देख लीजिए आप। एक तो हो गया शॉर्ट पिनिंग, दूसरा हो गया वाटर जेट पिनिंग, तीसरा हो गया लेजर पिनिंग। ओके, तो एज यू कैन सी दिस, दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेसेस। ठीक है, एक तो आपने मैंने सिंपल आपको बताया हैमरिंग एक्शन, लोहे के ऊपर हम पीटते हैं लोहे से, उससे क्या होता है कि प्लास्टिक फ्लो होता है ऑन द सरफेस रिजल्टिंग इन द वर्क हार्डनिंग। राइट, एंड रिजल्टिंग इन वर्क हार्डनिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको दिख रहा है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट पिनिंग में क्या होता है, अपन लोग टाइनी बॉल्स को यूज करते हैं ऑफ मेटल और सिरेमिक। वी यूज टाइनी बॉल्स ऑफ मेटल एंड सिरेमिक
so that it strikes the surface and pressure is developed. Whereas water jet pinning uses a jet of water of high pressure, for example, of 400 megapascal. At such a high pressure, 400 megapascal, when it strikes the metal surface, it gets refined. Then we have later laser pinning. Surface is hit by tiny impulses from the laser. An expensive process used to improve fatigue strength of the jet fan blades and turbine impeller. जेट फैंस और टर्बाइन का जो इंपेलर होता है उसके अंदर ही अपन ये फटीग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं. ओके नाउ विल गो टू फर्दर अदर पार्ट. नाउ वी हैव दिस केस हार्डनिंग. यू नो दैट मोस्ट ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द केस हार्डनिंग. एवरीवन नोस केस हार्डनिंग प्रोसेस. व्हाट इज द केस हार्डनिंग? आप लोगों ने देखा होगा. इट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू हार्डन द आउटर सरफेस ऑफ पार्ट्स सच एज गियर टीथ, कैम्स, शाफ्ट, बियरिंग्स, फास्टनर्स, पिंस, टूल्स, मोल्ड्स, डाइज एक्सेट्रा. इन मोस्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स द यूज इन्वॉल्व्स डायनेमिक फोर्सेस, ओकेशनल इंपैक्ट्स एंड कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन. ठीक है. देयरफॉर द सरफेस नीड्स टू बी हार्ड टू प्रिवेंट वेयर. But the bulk of the part should be tough, not brittle. This is achieved best by case hardening process. The basic method is very simple. The metal parts are put in an oven and heated with the atmosphere containing excess of gasoline liquid from form of the doping substance. This causes the dopant to diffuse into the surface. The duration and temperature control the concentration and depth of the doping. Most of these processes are used to case harden and steel. अपन इसमें क्या कर रहे हैं? Common process used in harden the outer surface को अपन hard कर देते हैं. For example, जैसे आपके gear teeth हो गए, cams हो गए, shaft हो गए, bearings हो गई, fasteners हो गए, pins, इन सब के अपन बाहर के surfaces को hard कर देते हैं. They use involve dynamic forces, occasional impacts and constant friction. तो ये इसके अंदर ये use करते हैं. इसका basic method जो होता है simple होता है. उसको ओवन के अंदर कर देते हैं. हीट विद एटमॉस्फेयर कोट कंटेनिंग एक्सेस ऑफ गैसेस लिक्विड फॉर्म ऑफ द डोपिंग सरफेस. जिसको भी अपन को सरफेस को हार्डन करना है उसको एक गैस उसको एक एटमॉस्फेयर में रख देते हैं बंद करके जहां पे गैस पास करते हैं गैसेस के अंदर एटमॉस्फेयर में. कॉज इट डिपेंड टू डिफ्यूज इनटू द सरफेस. द ड्यूरेशन एंड टेंपरेचर कंट्रोल द कंसंट्रेशन एंड डेप्थ ऑफ द डोपिंग. जितनी देर रखोगे उतना ज्यादा हीट हो जाएगा. अब इसका मेथड देख लो. केस हार्डन के मेथड होते हैं. स्टील का करते हैं अपन, आयरन अलॉय से करते हैं, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, ये इन सब चीजों का अपन डूपिंग करते हैं. ठीक. अब इसके टेबल में देख सकते हैं आप. सपोज यू कैन सी इन द टेबल कार्बोराइजिंग डूपेंट. इसके अंदर सी इसका वर्ड यूज किया कार्बन. लो कार्बन स्टील पार्ट इन ओवन 870 to 950 डिग्री सेंटीग्रेड में विद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डूपिंग करते हैं. ये इसका प्रोसीजर है कार्बोराइजिंग का. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस केस हार्डनिंग. व्हाट इज द केस हार्डनिंग प्रोसेस एंड हाउ इट इज बीन डन. ले लिया आप लोगों ने. देन वी हैव कार्बन नाइट्राइडिंग. इसके अंदर क्या नोट्स. 1 से 1.5 मिनट्स हार्डनिंग की उसका यूनिट है. पोअर डायमेंशन इनके एप्लीकेशन कहाँ है? गियर हो गए, कैम्स हो गए, शाफ्ट हो गए, बियरिंग हो गए. कितनी जगह पे अपन केस हार्डनिंग करते हैं. देन कार्बन नाइट्राइडिंग. दिस इज कार्बन और नाइट्रोजन के साथ मिक्स करते हैं. डूपेंट होता है. डूपेंट जिसके अंदर एटमोसफेयर में अपन इसको डूपेंट कर रहे हैं. ठीक. लो कार्बन स्टील पार्ट इन ओवन एट 800 to 900 डिग्री विद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के प्रेजेंस में. कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के प्रेजेंस में जो करते हैं कार्बन नाइट्राइडिंग करते हैं. साइनाइडिंग करते हैं अपन NaCN के प्रेजेंस में. 30% NaCN होता है. नाइट्राइडिंग करते हैं लो कार्बन स्टील पार्ट इन ओवन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड विद एक्सेस अमोनिया. नाइट्राइडिंग मीन्स अमोनिया यूज कर रहे हैं. और बोरोनाइजिंग मीन्स बोरोन जिसमें हो उसके एटमोसफेयर में अपन हीट कर रहे हैं. बस इतना बेसिक्स आप लोग याद कर लीजिए. थिंग्स व्हाट वी आर यूजिंग इट बेसिक्स थिंग्स जो आप यूज कर सकते हो. दिस वन what I am underlining it is this with excess carbon dioxide. Okay, now here it is with excess carbon dioxide and with ammonia. Okay, here we are using NaCN. Okay, here we are using with excess ammonia.
एंड हियर वी आर यूजिंग विद बोरॉन कार्बाइड. सो दीस आर द ब्लू लाइंस विद दिस एंड इसका ये प्रोसेस याद कर लीजिए. लोअर डिस्टॉर्शन HRC, these are the rare, very hard to get this. Examples, you can see here. These are the examples. Okay. If it's clear, you can note these things in your eyes and take a screenshot of it. Everyone, those who are little bit sincere students can take a screenshot for the same. Okay, so this is annotations. Now the other one is what we go for. The other one is next slide is thermal spraying. This is also a kind of a process of thermal spraying which has been done. Is a metal is melted in a specially designed spray gun using oxy-fuel plasma and other means to heat the sprayed metal till it melts. High pressure gas then sprays the liquid metal deposition, a layer liquid metal and depositing a layer on the top part of the painting process. Thermal spraying क्या करते हैं? अपन ने metal को melt किया, spray कर दिया, spray gun उसको run कर दिया, oxy fuel plasma. For example, oxy fuel plasma use करते हैं. Plasma is a form of a gas or in the form of a plasma at a very high pressure. Yes, in the very high pressure, the high pressure gas then sprays the liquid metal depositing a layer on the top part similar to the painting process. It is very similar to painting process, but the thing is the spray what we are spraying on the metal gets heated up to very high temperature. Okay, now we have vapor deposition. In these processes the layer of deposited material is very thin, only a few microns. In the vacuum evaporation process, the metal deposit is heated in an enclosed oven at a high temperature and a very low pressure. Some of the metal vapor deposit as a thin layer on the part. The surface can be coated. Surface can be coated and not only with metal but also with some carbides, nitrides or ceramics. Typical application includes surface coating of cutting tools, for example drills, reamers, punches, dies, etc. So this is vapor deposition, but here one thing is the pressure is very low and vapor is being deposited on these in few microns. The vapor deposited metal to be deposited is heated in an enclosed oven at a very high temperature and very low pressure. So this is a vapor deposition process. Right, there are two three processes which we have discussed. This metal on painting is this thermal spraying, vapor deposition and sputtering. Now we will go on this sputtering. This is, you can see the example of all these is drills, reamers, punches, dies, all the workshop tools, they have been vapor deposited in this manner. Okay, sir, reamer what's kya sir? Haan ji, reamer. रीमर क्या होता है? रीमर आपको होता है जिससे सरफेस फिनिश करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हार्ड वो रहते हैं. लकड़ी के ऊपर आपने देखा होगा, जो कारपेंटर होता है उसके ऊपर घिसता है लकड़ी को जो घिसता है तो वो रीमर से घिसता है तो ऊपर का जो लकड़ी का सरफेस है वो एकदम प्लेन हो जाता है. बहुत सारे इसमें मल्टीपल टूल्स रहते हैं, ऊपर लगे रहते हैं, मल्टीपल कटिंग एजेस लगे रहते हैं, उसको रीमर बोलते हैं. ठीक है, आप लोगों को देख लेना. ड्रिल्स को मालूम है, पंचेस पंच मालूम है, घर में दीवार मालूम है. ठीक है, तो रीमर उसको कहते हैं, वर्कशॉप का टूल है. नाउ वी हैव स्पटरिंग. स्पटरिंग इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स. हियर एन इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइजेस एंड इनर्ट गैस. इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इनर्ट गैस लेते हैं, अर्गन हो गई. इनर्ट गैस मालूम है आपको, पीरियोडिक टेबल में 9th कॉलम में जो आते हैं. That are all inert gases. 9th column, remember, right? It is an important because of its extensive use in production of electronic chips. Here, an electric field ionizes an inert gas, for example, argon. And ions are used to bombard the coating substance. Atoms of the coating material on the cathode, when hit by ions, are knocked out of the lattice, and later get deposited on the surface of the metal. Surface of the part by condensation. Aluminum sputtering is used to create most internal connections in VLSI chips in semiconductor manufacturing.
जो भी आपके चिप्स आती हैं कंप्यूटर के चिप्स होती हैं उसके अंदर अपन स्पटरिंग करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में जितने होता है जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स उसके अंदर वी आर डूइंग स्पटरिंग। इसमें क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक आयोनाइज गैस करते हैं आयोनाइजेस एंड इनर्ट गैस एक इनर्ट गैस लेते हैं उसको आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं जिसके ऊपर भी करना है तो आयन्स जो होते हैं वो बम्बार्ड होते हैं कोटिंग सर्फेस के ऊपर एंड एटम्स जो होते हैं ऑफ द मटेरियल जिसको अपन कैथोड बनाते हैं हिट बाय द आयन्स एंड नॉक आउट ऑफ द लैटिस अपने लैटिस से बाहर आके ऊपर चिपक जाते हैं सर्फेस के ऊपर। तो अंदर का जो मेटल है उसके अंदर से जो एटम्स होते हैं उन पर जब आयन्स का बम्बार्डमेंट होता है तो एटम्स बाहर निकल के ऊपर चिपक जाते हैं। सो दिस इज द हिंदी वर्जन राइट। तो एल्यूमिनियम की स्पटरिंग करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स जो आपने देखा होगा आपका आपका पीसी के अंदर जो चिप्स हैं इंपोर्ट चिप्स उसके अंदर वी यूज टू डू दिस स्पटरिंग। नाउ द अदर वन इज दिस इज हाउ इट इज बीन डन। This is a gas nozzle, oxygen, fuel, high velocity gas that has been passed through it. Molten metal spray has been done. This is the spray which has been done. And this is one of the method how we can do, how we can proceed. Other one is, this is thermal spraying process. You can see in the figure. You can have a screenshot, everyone if you are having on your laptop or on the mobile, you can have a screenshot. You can take a screenshot and you have to make this diagram. How this thermal spraying, thermal wire spray, thermal metal powder spray, and plasma spray it can be done in this process. So this is thermal spraying, normal simple thermal spraying process. High velocity beam is being passed through it, oxygen is passed, and this is wire or rod gas nozzle is been there, gas is passed through it, and this is how spraying is been done. Then second one is thermal metal powder spraying. A powder, you use a powder. And it gets heated up, fuel gas, oxygen is supplied, and in the form of flame, the powder comes out, and this metal gets sprayed, deposited layer. When metal is deposited, you can see here. So, this diagram has to be made by everyone. Your last classes, you have not given me the sessionals. You have to submit the sessionals for the last classes which have taken place. No one has given me the sessionals. You can send me on the online or online sessions can be shown to me by taking a photograph. What you have to do is to make a diagram and two photographs. This one is another plasma gas circulating. This is a plasma high gas at a very high pressure and high intensity. That is a plasma and this plasma spray has been done and powder is being sprayed from here and then both combined get very high temperature and then sprayed on the metal. This is the metal piece which has to be joined. So this is another process how it can be done. Now everyone, hope everyone has taken the screenshot. Le liya aap logon ne screenshot? Le lijiye, nahi liya to mic tweet karke mujhe bata dijiye. So done sir. Okay, thank you. Now this is the diagram for sputtering. This is a diagram for sputtering. Sputtering, आपको जो मैंने definition बताई है sputtering में क्या करते हैं अपन? ये देखो आप cathode लिया इसको, इसको anode लिया अपन ने, high voltage, vacuum, इसके अंदर vacuum पे रख दिया इस process के अंदर, जैसे sputtering, जो अपन electronic chips के साथ करते हैं, vacuum chamber है, ये पूरा, इसके अंदर ये आपका cathode material, source material है, cathode shield है आपकी है, एक शील्ड है कैथोड मटेरियल है ये वेफर्स आते हैं यहाँ से ये हीटर करता है इसके ऊपर आके स्ट्राइक करते हैं एनोड वक्त इसको एनोड बना दिया और अर्गन गैस इनलेट है ये अर्गन गैस है इनर्ट गैस के अंदर अपन स्पटरिंग कर रहे हैं अंदर वैक्यूम है उसमें इनर्ट गैस छोड़ी इनर्ट गैस छोड़ के हाई वोल्टेज करंट दे दिया अपन ने कैथोड को तो यहाँ से जो आयन्स आते हैं आयन्स आके इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे एटम्स के ऊपर तो अंदर के एटम्स जो है वो निकल के बाहर निकल आएंगे वेफर्स एंड हीट करेंगे और ये यहाँ पे टू वैक्यूम पंप ये वैक्यूम पंप है जो कि मेंटेन कर रहा है पूरा So this is a sputtering process. Please take a screenshot for the same. Everyone. Only 7% are there.
Okay, now we are going for the next slide. This is electroplating. This is a simple process of electroplating, and by which a thin layer of metal deposited on the surface of electrically conducting part, a part used as cathode, and the depositing materials forms the anode. The electrodes are dipped in the solution of aqueous salt such that an application of voltage, the metal from the anode is dissolved into the solution and on the cathode. A simple example of this process is copper plating of CuSO4 solution. Suppose this is anode, this is ammeter, and here positive is anode and negative cathode. जिसके पास भी copper plating करनी है उसको negative रखते हैं cathode पे, उसमें से electric current pass करते हैं और ये एक salt solution है जिसको अपन electrolyte कहते हैं, उसके अंदर dip कर देते हैं ताकि easily electrolysis हो सके, यहाँ से current यहाँ से यहाँ flow होगा तो इसके जो ions है वो यहाँ पे हो जाएगा. Gold plating भी करते हैं अपन, copper की plating भी करते हैं और बहुत सारी plating करते हैं, nickel plating, chromium plating, सब electroplating होती है. This is an example of electroplating process. Please take a screenshot, everyone. Definition and diagram shown in the figure. Right? No one is. Now the other method is anodizing. Anodizing में क्या होता है? A very common process. The aluminum parts are substituted by anodizing to give them a different color. Usually black, red, blue. The process uses the metal part as an anode. Using electrolyte processes, a layer of hard metal oxide is formed at the anode. Aluminum oxide formation हो जाता है बाहर इसमें. वही चीज़ है anodizing में, कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर. Blue, red, red anodizing given different color दे देते हैं, ऊपर से color कर देते हैं anodizing करके, उसको connect करके. मेटल पार्ट जिसको करना एनोड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस सेम चीज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोडाइजिंग ठीक है, बस करना एनोड कर देते हैं, कलरिंग करते हैं. कॉमन एग्जांपल इनको एल्युमिनियम पार्ट्स जैसे पिक्चर फ्रेम्स, कार बॉडी पार्ट्स, डोर नॉब्स. आपने देखा होगा कितने अच्छे निकल प्लेटिंग रहती है कार का, अपन जब गेट खोलते हैं तो वो कितना क्लियर रहता है, निकल प्लेटेड रहता है वो. नाउ पेंटिंग, ऑफकोर्स द मोस्ट कॉमन सरफेस ट्रीटमेंट इज पेंटिंग. पेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, इनेमल्स, लैक्कर्स एंड वाटर बेस्ड पेंट्स. दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स of paints. They are money. Enamel क्या चीज होती है? Oil based paints को enamel कहते हैं. Surface and glossy appearance आता है. आजकल oil based paints बहुत सारे आ रहे हैं. So that is enamel. Now lacquers क्या होता है? They are resins होती हैं, base paints that dry to a thin coat after the solvent evaporates. Out. Common examples आते हैं. Varnish जो होता है lacquers में आता है. Varnish is a kind of a lacquer. Now water based paints में था, common example include several wall paints, home interior paints. ये आपने घर के अंदर distemper जो होता है और ये सब, ये water based paints रहते हैं. तो समझ गए आप difference, enamel क्या होता है, lacquers क्या होता है and water based paints क्या होता है. तो water based paints जो है अपन उसके ऊपर भी use करते हैं, boat के अंदर, aeroplanes के अंदर, sea weed के ऊपर, इन जगहों पर we use these water based paints. Take a screenshot please everyone, you will get a difference of names of an application of these paintings. Okay, now almost half an hour is over. I will be going for this one. Common method of paint application include dip coating. Dip coating has been done. ऑटोमोबाइल पार्ट के अंदर डिप कोटिंग की जाती है, लिया पार्ट को लेके उसको पूरे पेंट के अंदर डिप कर दिया. दूसरा होता है स्प्रे कोटिंग, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्प्रे कर दिया ऑटो बॉडीज को, स्प्रे हो जाता है तो स्प्रे कोटिंग हो गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग होता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह ही हो गया. एंड द स्प्रे इज अचीव बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द पेंट पार्टिकल्स एंड द पार्ट. नाउ सिल्क स्क्रीनिंग, सिल्क स्क्रीनिंग में क्या होता है, कॉमन मेथड ऑफ पेंटिंग पैटर्न्स टेक्स्ट एक्सेट्रा ऑन द टॉप ऑफ द मोस्ट प्रोडक्ट. टाइनी होल्स आर मेड इन द थिन, एक सिल्क की आपने शीट ली उसके अंदर होल करा और होल करके उसके ऊपर जहाँ पे भी लगाना वो पैटर्न फॉर्म हो गया, वो पैटर्न को अपन ने घुमा दिया. ये दीवारों पे भी कर रहे हैं आजकल सिल्क स्क्रीनिंग. रोलर स्क्वीज ब्रश रहता है, यूज्ड टू स्क्वीज द पेंट आउट थ्रू द होल्स. दिस इज सिल्क स्क्वीजिंग. तो ये एक एग्जाम्पल्स हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं. BMW कार की बॉडी है, उसके अपन यहाँ से बहुत सारे स्प्रे लगे हुए हैं, स्प्रे पेंटिंग हो जाती है यहाँ पर. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे प्रोसेस. ओके, थैंक्स फॉर पेशेंट लिस्टिंग. एनी क्वेश्चंस प्लीज.
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? नो सर। नो सर। नो सर। कार वाला फ्लाइट कार वाला वापस कर वापस। हां जी कॉल करिए, एक मिनट बताइए क्या। कॉल करिए, एक मिनट बताइए क्या। हेलो सर। हां जी सर, कार वाला जो स्लाइड था ना, सर उसको थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया था कार वाले स्लाइड का। यस एक मिनट। दिख रहा है आपको? यस सर। एक मिनट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। यस ओके थैंक यू। यस सर। सो आई एम एंडिंग इट। एनी क्वेश्चंस? ओनली 7 पार्टिसिपेंट्स आर देयर टुडे। अटेंडेंस विल बी गिवन टू 7 पर्संस ओनली। क्या हो गया भैया? मोहित कुमार, आसिफ अंसारी, बाकी लोग कहां हैं? आस्तिक सब वही बताएंगे कहां है सब। पता आप लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी, बाकियों की नहीं लगेगी। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।